अब मैं बात कहूंगा तो बड़ी दूर तक जाएगी, अब मैं बात कहूंगा तो बड़ी दूर तक जाएगी, अब मैं बात कहूंगा तो बड़ी दूर तक जाएगी और बड़ी दूर तक। रैना साहब को दो सवाल मैं यहां से आपकी कर ही देता हूं, थोड़ा सा फिर इनको ठंड डाल ही देता हूं कि रैना साहब आपको याद होगा कि आपने 90 लाख का एक कम्युनिटी हॉल लंबेड़ी में दिया था अपने CDF से। उस कम्युनिटी हॉल 90 लाख का जो कम्युनिटी PWD डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ आपके घर के पास, उसका उसका उसकी चाबियां किसके पास हैं? क्या आज तक वो पब्लिक को हैंडओवर हुआ? एक 45 लाख का वीडियो ब्लॉक लंबेड़ी आज भी किराए पे चल रहा है। वो 45 लाख का जो वीडियो ब्लॉक की बिल्डिंग बनी थी, जैसे निशारा वीडियो ब्लॉक की निशारा में ऑफिस के पास बनी है, क्या वो जो वीडियो ब्लॉक की बिल्डिंग आपके घर के पास बनी हुई है, क्या उसकी चाबी आज तक वीडियो ब्लॉक को आपने दी? आज भी बॉर्डर के लोग जो जिनके घरों में गोले पड़ रहे हैं उनके, वो आज भी बंकर मांग रहे हैं, उनके घर में बंकर नहीं बना, बट आपके घर के पास 18 लाख का बंकर बना। ये तीन चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, इस पे भी जरा जवाब दे दीजिए। ये 2019-20 में बने हैं? नहीं, इनको पूछिए ना, मैंने कहा ना ये क्या क्या पूछेंगे मुझे, ये क्या क्या बातें मुझे पूछेंगे। ये जो कहते हैं ना मैं नोटिस देने हैं तो मैंने ये इजी करना, बड़ी कुछ है मेरे पास, मैं बड़ा कुछ है, मैं अभी बोल नहीं रहा। ये तीन चीजें मैंने इनको कहा कि क्या आपने ये बंकर का आपके पास जस्टिफिकेशन है कि आपके घर में क्यों बड़ा लंबेड़ी तो आज तक 75 साल में एक गोला नहीं पड़ा। इनके पास है चाबियां, वो कैसे मतलब पूछ लो इनको, अब मत सारा खोलो मत ना, धीरे धीरे खुलेगा सब। ये राज है, पर्दा उठाएंगे जब आप किसी ऑडिटोरियम में जाओ जहां कोई नाटक शाटक हो, तो उसका जब पर्दा उठता है धीरे धीरे उठता है ना, छिपा करके ऊपर उठ जाता है, धीरे धीरे उठे जैसे जैसे वो इसमें डालेंगे ना तड़का। अच्छा। मैं भी तो फिर मर्च मसाला डालूंगा ना। कोई मुलाजमों की डिमांड हो और मुलाजम गवर्नमेंट हाउस जाने के बजाय या डीएम के ऑफिस जाने के बजाय वो बीजेपी दफ्तर बाहर जा रहे हैं, क्यों? उनको रविंदर रैना साहब बुलाता था, 4-5 लीडर उसने रखे हुए थे, ट्रेड यूनियन लीडर, जो उनको बुलाता था कहता आओ यहाँ धरना लगवा के, यहाँ क्या करता था कि एलजी साहब के खिलाफ आवाज उठाता था, एलजी साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट जाए, एलजी साहब का तू क्या बिगाड़ेगा, क्योंकि एलजी साहब अब इलीगल ट्रांसफर्स इनके कहने पे नहीं करते, इलीगल काम इनके कहने पे नहीं करते, इनके बड़े छोटे छोटे काम है जो ये एलजी साहब को रोज बोलते हैं तो एलजी साहब मानते हैं, अब रोज ट्रांसफर इनके डीओ लेटर कौन रोज सुनता रहे? ये चाचा भतीजा, अच्छा चाचा भतीजा, हाँ ये चाचा भतीजा हेडमास्टर भी है, क्लास टीचर भी है और चाचा भतीजा भी है, तो ये चाचा भतीजा क्योंकि बड़ा पुराना रिलेशन है इनका, ये जब गांधीनगर में बैठे रहते थे, तो ये इलीगल ट्रांसफर रोज कराने के लिए जाते हैं। अब वो जब दो रोज रोज जाओगे तो एलजी साहब पहले जो एलजी थे वो सुन लेते थे, क्योंकि वो वीक थे। अब एलजी साहब का अपना कद है, अगले यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, ये जो एलजी साहब है ये सही मैंने में इनको दिखा रहे हैं कि भाई एलजी गवर्नमेंट हाउस क्या होता है, तो इसलिए ये चाचा भतीजा इसलिए परेशान है। नहीं, वो दोनों ने चाचा पीछे देने दुकान किसने खोल के रखी हुई है, सिर्फ लोगों को डराने के लिए, मैं तेरे घर ईडी भेज दूंगा, मैं तेरे घर नोटिस भेज दूंगा, डराने के लिए। मैं सुरेंद्र चौधरी डरता है इनसे, जाओ मुझे जो करना जा करो, अंदर ठुकाओ मुझे, जेल में ठुकाओ।